क्चर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पालमा फेशिया जिसे पालमर एपोन्यूरो भी कहते हैं उसमें नोड्यूलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है या फिर सुपरफिशियल फेशिया में कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म हो जाते हैं ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट की है मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन यूरोपियन डिसेंडेंट के लोगों में देखी जाती है स्पेशली एंग्लो में जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं पाल्मर एपोनि पाल्मर जो फेशिया है हमारा वो डिफरेंट फॉर्म में अफेक्ट हो सकता है इन दिस कंडीशन जहाँ पे ये हमारा कर्सर मूव कर रहा है जो पाल्मर क्रीज है इट इज मेनली अफेक्टेड नाउ नेक्स्ट जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजल ज्वाइंट है वो अफेक्टेड है वेब स्पेस ऑफ थम अफेक्ट हो सकता है या फिर हमारा जो फिंगर है लिटिल फिंगर स्पेशली वो अफेक्ट हो सकती है नाउ द कॉजेस द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस कंडीशन इज नॉट नोन बट इट इज मे बी ड्यू टू हेरिडिटी जैसे अभी हमने पहले भी देखा था ड्यू टू अ अरेपिटेटिव ट्रॉमा इट माइट बी ड्यू टू सम स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जैसे कि यहां एग्जाम्पल में हमने दिया है रॉक ड्रिलिंग ऐसे पीपल ऐसे लोग जो कि रॉक डिल्डिंग प्रोफेशन में होते हैं बिकॉज दे होल्ड अ मशीन मोस्ट ऑफ द टाइम और मशीन में वाइब्रेशन होती है बिकॉज ऑफ दोज वाइब्रेशन द डिजीज ट्रिगर एंड रिजल्ट इन टू दिस कंडीशन सो इससे मिलती जुलती कोई भी कंडीशन कोई भी ऑक्यूपेशनल कंडीशन विल रिजल्ट इन टू दिस प्रॉब्लम एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन बट इट मे बी ड्यू टू हेरिडिटी ट्रॉमा, रिपिटेटिव इन नेचर ऐसा ट्रॉमा जो कि रिपिटेटिवली होता है थर्ड इज ऑक्यूपेशन ऐसे ऑक्युपेशन जिनमें वाइब्रेशंस का यूज होता है जैसे कि रॉक ड्रिलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मशीन्स होल्ड की जाती हैं और वो मशीन्स से वाइब्रेशंस आती हैं एंड दैट वाइब्रेशन माइट ट्रिगर द डिजीज सो so, मिलते जुलते जो भी इस तरीके के ऑक्यूपेशन हैं ऐसे लोगों में ये कंडीशन देखी जाती है मेल्स आर टेन टाइम्स मोर कॉमनली अफेक्टेड कंपेरिटिवली टू फीमेल्स वाइट्स आर मोर अफेक्टिव देन ब्लैक्स ये कंडीशन जनरली एपिलेप्टिक पेशेंट्स में सीवियरली एपिलेप्टिक पेशेंट्स में या फिर एल्कोहलिक पेशेंट्स में देखी जाती है इसका जो ऑनसेट है वो जनरली 40 ईयर से लेस की एज ग्रुप में होता है पैथोलॉजी द प्रॉब्लम इज इन द द्रोलिफर ऑफ द मायो जब भी माइफाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होगा तो ये कंडीशन ट्रिगर हो जाती है फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं पाल्मो फेशिया में एंड फाइब्रस बैंड में विच द फिंगर्स

प्रगजिमल पी आई पी प्रोक्मल इंटरफिलेंजल ज्वाइंट और द स्पेसिफिक फिंगर लिटल और द रिंग फिंगर वेब स्पेस ऑफ द थम ग्रेजुअली ये कंडीशन एक्सटेंड होती है डिस्टली एंड इन्वॉल्व द रिंग ऑर द लिटल फिंगर ऑल्सो पेन इज यूजली नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस कंडीशन अर्ली स्टेज में होता है बट इट इज नॉट अ मार्क्ड फीचर बोथ हैंड्स आर इन्वॉल्व बट जनरली देखा जाता है कि एक हैंड दूसरे से ज्यादा इन्वॉल्व होता है पाम पकर्ड हो जाती है मीन्स जो स्किन है वो गैदर्ड हो जाती है फोल्ड हो जाती है नोड्यूल्स होते हैं और थिक हो जाती है अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स गिव्स अ फैमिली हिस्ट्री दैट्स वाई इट बिलोंग्स टू अरिडिटी कैटेगरी समाइम्स हम देखते हैं कि जो डोर्सल नकल्स है, हैंड हैं के वहां पे पैड्स जो हैं वो थिक हो जाते हैं और ऐसे थिक्स फैट्स को कहा जाता है सिमिलरली अगर हमारे सोल में इन्वॉल्वमेंट है और सोल में नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं सो ऐसी नोड्यूल्स को हम कहते हैं लेडर होस डिजीज डायग्नोसिस कंडीशन हमेशा डिस्टिंग्विश करनी होती है किसी भी स्किन कंट्रेक्चर से जा, इसे हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर स्किन कॉन्ट्रैक्चर्स हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रीवियस इंजरी का लैसिरेशन प्रेजेंट होगा टेंडन कॉन्ट्रैक्चर से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें जैसे कि हम बात करें वॉकमेन जिसटेमिक कॉन्ट्रैक्चर उस केसेस में भी फाइब्रस टिश्यू फॉर्म होते हैं बट बिकॉज टेंडन क्रॉस द मल्टीपल ज्वाइंट्स सो उसमें एक ज्वाइंट की पोजिशन अफेक्ट करती है हमारे बाकी जॉइंट्स की पोजीशन को जैसे कि जो हमारे रिस्ट के मूवमेंट हैं दैट विल अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द फिंगर्स सो उस उससे हम इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस कंडीशन में हमारे रिस्ट की पोजीशन से कोई भी चेंजेस हमारे फिंगर की पोजीशन में नहीं आते हैं पीआईपी जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर इन कॉन्ट्रेक्चर इन विच देयर में हिस्ट्री ऑफ अ ज्वाइंट इंजरी सो दीज थिंग्स विल मेक अस हेल्प टू मेक अ गुड डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑपरेशन इज जनरली इंडिकेटेड इस कंडीशन के लिए तब डिफॉर्मिटी हो जाती है या फिर तेजी से प्रोग्रेस करती है तेजी से प्रोग्रेस करने का मतलब यह है कि हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर हैं और वो कॉन्ट्रैक्चर इन रिवर्सिबल हो गए हैं मेन नेम हमारा ट्रीटमेंट का होता है कि डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना सर्जरी से uh, हमारी डिजीज हंड्रेड परसेंट क्योर नहीं हो जाती है बट वी आर डूइंग सर्जरी जस्ट टू मेक द करेक्शंस रियाकरेंस और एक्सटेंशन काफी कॉमन है इस कंडीशन में करेक्शन ऑफ द दीपी ज्वाइंट दैट इज द मेटाकॉप फेलेंजियल ज्वाइंट इज मोर प्रडिक्टेबल देन द प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स जब भी सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो उसमें इंसिज़न्स जो हैं वो जेड शेप में लगाए जाते हैं जेड प्लास्टी टेक्निक फॉलो की जाती है वाई बिकॉज इफ द डिजीज इज एक्सटेंसिव द अफेक्टेड एरिया इज जनरली बींग अप्रोच विद्गिट्यूडनल और जेड शेप्ड इंसिजन इसमें केयरफुली फ्री किया जाता है नर्व्स को ब्लड वेसल्स को और टेंडन की कॉर्ड्स को स्किन क्लोजर भी जब किया जाता है तो उसे फैसिलिटेट किया जाता है बाय डूइंग द मल्टीपल जेड प्लास्टीज जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं जेड शेप में इसे क्लोज किया गया है द रीजन बीइंग दिस हैज़ अ ड्यूअल इफेक्ट इसके दो इफेक्ट होते हैं ये डिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करता है रियकरेंस को रिड्यूस करता है एंड लॉन्गिट्यूडनल वुंड कॉन्ट्रैक्चर अगर हो जाए तो उसे प्रिवेंट करता है

वो रिलीव हो जाए एंड इन सर्टन कंडीशन देर इज अक्ट ऑफ अब देख सकते हैं इस कंडीशन में यहां पर एक स्किन ग्राफ्ट यहां पर अप्लाई किया गया है सिवियर स्किन इन्वॉल्वमेंट केसेस में स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है एंड आफ्टर ऑपरेशन स्प्लिंट अप्लाई किया जाता है और फ्यू वीक्स के बाद फ्यू डेज के बाद वो स्प्लिंट रिमूव कर दिया जाता है सो दैट एक्टिव मोशन एक्सरसाइजेस की जा सके नाइट स्प्लिंट्स कंटिन्यू किया जाता है फॉर फर्दर फ्यू मंथ्स टू रिड्यूस रिकरेंस